तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशन पेस्ट स्पेशल का सेकेंड पार्ट। हमने पेस्ट स्पेशल में लास्ट क्लास में देखा था किस तरह से हम कॉपी पेस्ट करते हैं और पेस्ट के अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमने देखी थी। आज हम कॉपी पेस्ट में जो चीजें हमने कल छोड़ दिया था उसी चीज को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने कल की क्लास में बताया था कि हम यहाँ पे 20 लिखते हैं और 30 लिखते हैं। अगर 20 को कॉपी करके 30 को पेस्ट किया तो 20 रिप्लेस बाय 30। लेकिन पेस्ट स्पेशल करते समय अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और रिजल्ट आपका यहाँ स्कोर। इस पर हमने डिस्कशन किया था रिसर्च करने के लिए कि आखिर इसका ऑफिशियल यूज क्या है। ऐसे एक दो यूज मेरे पास भी है, चलिए मैं अपना यूज बता दूं, आप भी रिसर्च कीजिएगा अगर आपके पास कोई हुआ। चलिए तो क्या उससे पहले हम जानते हैं परसेंटेज के बारे में। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे 20% लिखना है तो 20 और परसेंट का सिंबल दूंगा तो 20% आ जाएगा। प्लीज सर शोर आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया उसके बाद इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल लगाया तो 2000% हो जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे परसेंटेज माने कि यहाँ पे क्या होता है कि 1 = 100% होता है, 1 = 100%। सो मुझे यहाँ पे 0.20 लिखूंगा उसके बाद अगर मैं इसके परसेंटेज का सिंबल देता हूँ तो 20% होगा। तो अगर मैं टाइप करते समय परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाया तो मुझे डेसिमल्स में लिखेंगे तब जाके परसेंटेज शो होगा, अदरवाइज परसेंटेज शो नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक हमारे कलीग थे वो तो हमें एक भेजते थे जैसे यहाँ पे 20 लिख दिया तो यहाँ पे परसेंटेज देते थे माफ कीजिएगा और हमें कुछ नंबर्स दे देते थे, बट वो नंबर जो देते थे वो नंबर के फॉर्मेट में होता था कुछ इस तरह से। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको अगर हम अगर कहीं यूज करते था, मुझे इसको यूज करना था वहां यूज करके, तो प्रॉब्लम क्या था कि वहां चाहिए हमें परसेंटेज के सैंपल। मुझे चाहिए इसको परसेंटेज के संबंध में, अब एक एक करके मुझे जाना होगा कि 58 इससे परसेंटेज का संबंध, 29 इससे परसेंटेज का संबंध, इस तरह से लगाना। ये काफी टीडियस जॉब था। तो हमने क्या किया कि एक अलग सेल पे गया, वहां पे 100 को लिखा, इस 100 को कॉपी किया और पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया, फिर इस पे पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे हम कर देते हैं डिवाइड। हर नंबर को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे आएगा 0.58, डेसिमल में आ गया। अब मुझे करना क्या है, सिर्फ परसेंटेज का सैंपल देना है। ठीक है सर, समझ में आया? जी सर। अगर मान लीजिए इसको वापस सही करना है, परसेंटेज है इसको नंबर में करना है, तो मैं इसको पहले तो मैं इसका जनरल फॉर्मेट कर दूंगा, फिर वापस इसको कॉपी करूंगा और इसको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और इसको वापस मल्टीप्लाई कर, सॉरी मैं पूरा कॉपी कर लिया। राइट क्लिक,
पेस्ट स्पेशल और इसको हम बंद कर, तो इस तरह से इसको चीजें कर सकते हैं। अब एक तरह से और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कि मान लीजिए मुझे यहां पे नेम मैं देता हूं और यहां पे मेरे मंथ के सेल, और यहां पे नाम देता हूं पूजा, कविता, ऐसे और भी चीजें हो सकते हैं। अब यहां पे मैं देता हूं मैं कॉपी करके इस पे वैल्यू पेस्ट कर देता हूं। अब प्रॉब्लम है कि मुझे इसको 70 से डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल हम इसको कॉपी करेंगे और इसको डिवाइड करके, इसका ये चाहिए मुझे कि आखिर ये कितना अचीव किया है, हमें डिवाइड करना है इसको 70 से, कि ये हमारा 70 हमारा टारगेट था और हमने ये हमारा डिवाइड हमने कर दिया इसको, तो ये आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये 39% है, 80% है, 60% है, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए सबका अलग अलग टारगेट है, मतलब कि यहाँ पे ये आपका सेल्स था, ये आपका यहाँ पे टारगेट है और हर किसी का हर महीने के लिए अलग अलग टारगेट दिया गया है। अब मुझे हर किसी को अलग अलग नंबर से डिवाइड करना है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो सीक्वेंस हो, सेम सीक्वेंस। पूजा मुझे क्या करना है, 27 को 54 से डिवाइड करना है पूजा का जो है, और यहाँ 56 को 87 से करना है, 47 को 12 से करना है, 35 को 25 से करना है, इस तरह से। तो हम पूरे एरिया को कॉपी करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे पेस्ट स्पेशल और यहां पे हम कर देंगे डिवाइड एंड ओके, तो आपका डिवाइड हो गया। इस तरह से अलग अलग भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ये तो हम कर दिया, यहाँ पे इसके ऊपर हम इससे कर दिया, लेकिन हो सकता है कि जहां मैं कर रहा हूँ एक इस पर फॉर्मूला हो और मैं चाहता हूं कि मेरा फॉर्मूला रिप्लेस नहीं होना चाहिए, तो मैं फॉर्मूले के अंदर इसको यहां से डिवाइड करके 54 इस तरह से करना चाहता हूं। ये भी आप कर सकते हैं सिंपल, अगर आप इसको कॉपी करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं पेस्ट स्पेशल और इसमें आप करते हैं डिवाइड, तो क्या होगा, इसके अंदर जाएगा और डिवाइड कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि जहां से मैं उठा है ये भी कोई फॉर्मूला है, ये भी कोई फॉर्मूला है, और मैं इसकी फॉर्मूले को ही पेश करना चाहता हूं, वैल्यू को नहीं, तो आप भी इसको कॉपी करें और कॉपी करके पेश करते समय, पेस्ट स्पेशल करते समय यहां तो आप जरूर सेलेक्ट कर ले अपना डिवाइड, लेकिन यहां ऑल की जगह भी आप फॉर्मूला सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर फॉर्मूला नहीं तो इसकी वैल्यू चाहिए तो वैल्यू सेलेक्ट करना होगा, फॉर्मूला मतलब कि 18 से डिवाइड करना है तो आपको वैल्यू करना पड़ेगा
आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो रिजल्ट है, एलएनबीटी का फॉर्मूला है, उसकी जो रिजल्ट है उससे करना है, तो आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया? जी सर। ठीक है जी। अब चलिए इसमें अगला चैप्टर के बारे में बात करते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आता है, वो आता है जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा है, उस हम यहाँ पे मैं कुछ डेटा एंट्री करता हूँ। अब इसमें से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि चेंज हुए हैं। ऐसे मान लीजिए आपको साइको रिकॉर्ड में से कुछ रिकॉर्ड्स को इस तरह चेंज किया गया और जो ब्लैंक है मतलब 50 सही था, अब मुझे इन सबको अपडेट करना है और जिसको चेक करने के लिए उसने डायरेक्ट यहाँ पे 50 नहीं लिख दिया, उसके सामने डबल डी ताकि लोग तो मुझे इसको अपडेट करना। अब एक एक कॉपी करेंगे तो मुश्किल होगा, पूरा कॉपी करेंगे तो ब्लैंक भी रिप्लेस करेगा। तो कॉपी करते समय जब मैंने कॉपी किया इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक होता है स्किप ब्लैंक। ओके कीजिए। ये हमारा इसका यूज आप कर सकते हैं अपने ऑफिस में। अब इसमें मान लीजिए कि मेरे पास डेटा वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल करना है, तो ट्रांसपोज, ये तो आप शायद जानते ही होंगे, पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज होता है जिससे हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल एंड वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करते हैं। हम बात करते हैं पेस्ट एज ए लिंक की। अब उसके लिए मैं डेटा यहां ओपन करता हूं, एक डेटा मान लीजिए डेटा लेता हूं ना कोई, अब मेरे पास ये डेटा है जिसमें नेम है, डेट हायर, डेट डिपार्टमेंट, सैलरी मंथ है। अब ये डेटा मेरे पास हर महीने डंप में से आता है और मुझे इस डेटा को किसी जगह पे भेजना होता है। तो हमें हम क्या करते हैं, क्योंकि पूरा डेटा नहीं भेजना होता है, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसमें से मुझे आईडी नहीं देना होता है, हायर डेट नहीं देना होता है,
एक को यहाँ पे मुझे टोटल ऐड करना होता है, टोटल सैलरी मैं हमेशा मैनुअल करता हूँ। डिपार्टमेंट है, छुट्टी और परफॉर्मेंस स्कोर नहीं देना होता है और ये नहीं देना होता, इतना काम मुझे डेली बेसिस पे करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने डेटा को लिया और इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और डेटा को कर दिया पेस्ट एज ए लिंक। पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक होता है। पेस्ट लिंक करने से क्या हुआ कि अब डेटा चेंज होगा, जैसे मान लीजिए कि पहला डेटा में सैलरी 63,000 थी ना, मैं यहाँ पे 40,000 कर देता हूँ, एंटर मार के आप देखिएगा कि डेटा में हमारा 40 माफ कीजिएगा हमने पेस्ट एज ए वैल्यू कर दिया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, यहाँ पेस्ट एज ए लिंक करना है, लिंक हो गया। अब मैं डेटा के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं 30,000 को 40,000 करके जैसे एंटर मारूंगा आप देखेंगे मेरा डेटा यहाँ चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम मुझे इस डेटा यहाँ पे अपने डेटा कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे डेटा हो जाएगा, लेकिन मुझे अरेंज चाहिए तो मैनुअली हम अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक सीट ऐड करना है और यहाँ पे टोटल देना है। और यहाँ पे हमें रिकॉर्ड दे देनी, सम कर देना और उसके बाद फिर मुझे ये डिलीट कर देता हूँ। तो पेज से लिंक करने से फायदा क्या होगा, जनरली हम लिंक करने के लिए इक्वल का ही प्रेस करते हैं कि इक्वल किया और इसको सिलेक्ट कर दिया। तो इक्वल करने के बाद हमको ड्रैग वगैरह करना पड़ता है। दूसरी चीज सीक्वेंस आता है, मान लीजिए मुझे इसमें से इसको कॉपी, इसको लिंक करना है, इसको लिंक करना है और इसको लिंक करना है। इसको लिंक करना है, इसको लिंक करना है और इसको लिंक करना है। हमने इसको कॉपी किया और मान लीजिए मैं इस पे पेस्ट स्पेशल में गए और पेस्ट अच्छे लिंक कर दिया। ऐसे वन बाय वन करना पड़ता यहाँ पर हमने इकट्ठा कर दिया। इस तरह के डेटा के लिए हम पेस्ट एज ए लिंक का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर क्लियर है सौरभ जी? जी सर। अब वापस आता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं और इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर देता हूं। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक की। पिक्चर है पिक्चर लिंक, जैसे ये डेटा है, अब मुझे इस डेटा को एक छोटे से एरिया में दिखाना है। तो अगर मैं कॉलम छोटा करूंगा तो पूरा कॉलम छोटा होगा और नीचे हो सकता है बड़ा लिखा हो, वो भी छोटा हो जाएगा। तो मैं पूरे कॉलम को छोटा नहीं कर रहा है। पूरे कॉलम को छोटा नहीं कर रहा है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में मैं यहां पे यहां पर पेस्ट जे पिक्चर पिक्चर कर दीजिए। तो पिक्चर करने से क्या होगा कि आपका पिक्चर हो जाएगा, फिर इसको अपने हिसाब से छोटा करना है छोटा कर दीजिए, बड़ा करना है बड़ा कर दीजिए। इस तरह से ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई चेंजिंग करते हैं, जैसे मैंने यहां पे को चेंज किया तो हमारा डेटा चेंज नहीं हो क्योंकि तो आपस में लिंक नहीं है। मुझे अब चाहिए कि लिंक हो तो बार बार कॉपी, मान लीजिए एक दिन का काम है तो मैं एक पेज से पिक्चर कर लेंगे, लेकिन मेरा काम हर दिन का है तो हर दिन मुझे पेज से पिक्चर करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि नहीं कि ऑटोमेट हो, इसको हम कॉपी करते हैं, इस पे पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देते। अब मैं इसको अपने हिसाब से छोटा और अपने हिसाब से बड़ा करूंगा, कर सकता हूं। और अपना डेटा में किसी भी तरह के चेंज, यहां तक कि अगर मैंने कलर चेंज किया यहां भी कलर चेंज हो जाएगा। तो वैल्यू चेंज किया, जैसे मैं 60 को 500 कर देता हूं, वो भी चेंज हो जाएगा।
सेम सीट नहीं, अनोदर सीट, अनोदर वर्कबुक भी कर सकते हैं। अगर कल भी ये चेंज हुआ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और एंट्री कर देता हूँ, अब इसमें नीचे नहीं आया, क्या दोबारा से हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? जी नहीं, आप जब भी इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर में आपको दिखेगा इसका एड्रेस A1 से B10, तो यहाँ क्या है B11 है, तो कुछ नहीं करना, 10 को आप 11 कर दीजिए, ये आपका चेंज हो जाएगा। अब इसको जैसे आपको वर्ड है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे आप आउटलुक यूज करते हैं? नहीं सर। नहीं करते हैं? नहीं सर। तो आउटलुक वगैरह यूज करेंगे तो भी इसका फायदा हो सकता है। ठीक है सर, आप बताइएगा कैसे करते हैं। ठीक, मैं आउटलुक का एक सेशन दे दूंगा। ठीक, चलिए। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका पिक्चर। यहाँ पे सर क्लिप, यहाँ पे दो चीजें हैं, कॉपी कास्ट है, फॉर्मेट प्रिंटर है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई फॉर्मेटिंग कर दी, तो फॉर्मेट प्रिंटर से आप उसको कहीं और अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हैं। कई सारे जगहों पे करना है तो बार बार आपको फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना पड़ेगा। आप इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये आपके साथ रहेगा और कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। पेज एज फॉर्मेट भी कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। हटाना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए, ये आपका हट जाएगा। राइट सर? जी सर। आपको जो है अगला टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें हमने कुछ लुकअप वगैरह का इस्तेमाल किया हुआ जी। तो आपको हम एक वीडियो भेज रहे हैं जिसका नाम है पिक्चर लुकअप। वीडियो कभी यूज किया है कभी आपने सर? हाँ किया सर। तो वी लुकअप में आप सिर्फ डेटा लुकअप करते हैं ना जी, लेकिन अगर आपको पिक्चर से मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट का ये बनाया है, डेटाबेस बनाया है जी, और आप चाहते हैं कि उस स्टूडेंट का जो डेटाबेस आपने बनाया है जी, आप रोल नंबर डालते हैं पूरा रिकॉर्ड आ जाता है, आप चाहते हैं उसका जी। अच्छा, तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं पिक्चर लुकअप का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो मैं आपको वीडियो, आज आप वीडियो देख लीजिए तो कल हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है, और बाकी जो जीओ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, कल हम पिक्चर लुकअप कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है ये, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, फिलहाल नहीं। ठीक, कुछ हुआ तो सर मैं आपको व्हाट्सएप पर ठीक।